इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीवी गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो एडेनियम का प्लांट है कितने ही अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो कर रहा है और बहुत ही फूल आ रहे हैं इस पर। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो एक एडेनियम का प्लांट है और इस टाइम पे जो है बहुत अच्छे से जो फ्लावरिंग है वो कर रहा है। फ्लावरिंग तो इस पर जो है, इस प्लांट पर हमेशा से ही अच्छे से ही होती है, मगर इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही फ्लावर इस पे आ रहे हैं और इसकी मैं कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करती हूँ, और फिर भी ये हमेशा अच्छे से ही इसमें जो फ्लावरिंग है वो होती है, और इस बार तो बहुत ही फ्लावर आ रहे हैं इस पे। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मैं इसकी जो केयर है वो कैसे करती हूँ, तो इसकी कोई मैं ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ इस पर, बस इसको जो है पानी 2-3 दिन में एक बार पानी दे देती हूँ। और जो है पिछले साल मैंने इसका जो है जो गमला है पहले इसके, इसको मैंने बहुत बड़े गमले में लगाया हुआ था, और ये प्लांट भी जो है मेरे पास कम से कम 10-11 साल से होगा और काफ़ी पुराना प्लांट है ये। और फिर मैंने इसको जो है दूसरे गमले में शिफ्ट किया है, पहले तो ये नॉर्मल मिट्टी में ही लगा हुआ था और पिछले साल ही इसको मैंने जो है जो रेत वाली मिट्टी है, थोड़ी सी गार्डन मिट्टी और थोड़ा आधा जो है इसमें रेत वाली मिट्टी में इसको लगाया था। और साथ में जब मैंने इसको लगाया था तो गमले के नीचे जो है मैंने पत्ते होते हैं जो लीव्स, सूखे लीव्स वो डाल दिए थे गमले के नीचे, और उसके बाद जो है जो इसका मिट्टी और रेत जो है उसके बाद भरा था, फिर मैंने इस प्लांट को लगाया था, और उसके बाद ही जो है इसकी जो बहुत ही अच्छे से जो ग्रोथ हो रही है। और साथ में मैंने इसकी जो है प्रूनिंग भी की थी और इस बार जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। और जो ये जो प्लांट है छोटे छोटे मैंने कटिंग से ही बनाए हैं ये। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो एडेनियम की जो कटिंग है वो चलती है या नहीं चलती है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके एडेनियम की जो कटिंग होती है वो अच्छे से चल जाए, तो जब भी आप इसकी जो प्रूनिंग है वो करते हैं तो जो हमारे पास कटिंग है वो आ ही जाती हैं, प्रूनिंग जब हम करते हैं तो टहनियाँ में इसकी जो है मिल जाती हैं, तो उसको आपने क्या करना है कि 3-4 दिन के लिए अच्छे से इसको शेडी प्लेस में रख के जो है उसका नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको वो सूख जाए, तो फिर आप अगर कटिंग लगाएंगे तो जो है, अगर आप 4 कटिंग लगाएंगे तो उनमें से 2 तो लग ही जाएंगी, और एक बार ही आपने उसको पानी देना है, बार बार पानी नहीं देना है, तो शेडी प्लेस में रख देना तो कुछ दिनों के लिए। ये देखिए जो छोटे छोटे 2 प्लांट आपको दिख रहे हैं ये मैंने कटिंग के द्वारा ही ग्रो किया और एक पर फ्लावर भी आ रहे हैं अभी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं धूप की, तो धूप जो मेरा प्लांट है इसको जो 12 बजे से लेके शाम तक की जो अच्छी धूप मिलती है, अभी भी जहाँ मैंने अपने प्लांट को रखा हुआ है यहाँ 12 बजे धूप आती है और शाम तक रहती है, जब तक भी धूप रहे तब तक इसको मिलती रहती है, तो बस और कोई ज़्यादा मैं इसकी केयर नहीं करती हूँ। और मैंने अपने प्लांट को ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ इसको जो है धूप तो अच्छी मिलती है, मगर इस पर कभी कभी बारिश पड़े तो बारिश का जो पानी है इस पर नहीं गिरता है। मैंने इसको थोड़ा शेड में रखा हुआ है और जब पानी की ज़रूरत हो तो मैं इसको खुद ही देती हूँ पानी, तीसरे चौथे दिन डेली नहीं देती हूँ पानी। फ्रेंड्स, जो एडेनियम का छोटा प्लांट होता है उसको गर्मियों के दिनों में डेली भी हमें वाटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो बड़ा प्लांट होता है उसको 1-2 दिन पानी ना भी मिले तो वो सर्वाइव करता है, छोटा प्लांट इतना कैपेबल नहीं होता है कि उसको 2-3 दिन पानी ना मिले तो वो सर्वाइव कर जाए, तो छोटे और बड़े की नीड वो अलग अलग होती है।
और फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि जो एडेनियम का जो प्लांट होता है हम इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें, तो आप इसको जो है बोन मील दे सकते हैं, जो बर्मी कंपोज होता है वो दे सकते हैं। और मैं अपने प्लांट की बात करूं तो इसको मैंने जो है सिर्फ लीव कंपोज, जब मैंने इसको शिफ्ट किया था एक से दूसरे गमले में, तब मैंने इसको जो है सूखे पत्ते इसके गमले के नीचे है, जो मिट्टी जो भरने से पहले उसके बहुत सारे जो है लीव्स, सूखे लीव्स डाल दिए थे, तो वो लीव कंपोज बन गया। तो उसके सिवाय जो है मैंने अपने प्लांट को कभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, और फर्टिलाइज़र के बिना ही जो मेरा प्लांट है ये काफ़ी पुराना प्लांट है, इस वजह से जो है ये धूप को भी बर्दाश्त करता है और ज़्यादा पानी भी पड़ जाए तो उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। तो फर्टिलाइज़र मैं इसको कम ही देती हूँ, और कभी कभी जो है इसको फंगस ना लगे तो जो साफ पाउडर आता है फंगीसाइड वो मैं महीने में या दो महीने में एक बार पानी में डाल के इसको दे देती हूँ। और बात करें उसकी पेस्टिसाइड की, तो उसका कोई मैं इस पर स्प्रे नहीं करती हूँ, इस पर मिली बग्स कभी कभी अटैक करते हैं, तो उसके लिए मैं अपने होममेड जो है स्प्रे उसका ही यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स आप भी इस तरह से जो है अपने प्लांट पे अच्छे तरीके से जो फ्लावरिंग है वो पाना चाहते हैं, तो प्रूनिंग भी इस प्लांट की जो है बहुत ज़रूरी होती है। जैसे जहाँ से भी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, जहाँ से भी कोई इसकी टहनी वो काटेंगे, वहाँ से दो या तीन जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतनी ही ज़्यादा जो है फ्लावर भी आएंगे। तो ज़्यादा फ्लावर पाने का ये एक ये भी तरीका है कि आप अपने प्लांट की जो है फ्लावर सीज़न आने से पहले वो अच्छे तरीके से जो प्रूनिंग है वो करें, और फिर ज़्यादा टहनियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतने ही ज़्यादा जो है आपके प्लांट पे जो है फ्लावर आएंगे और आपका जो प्लांट है फूलों से भर जाएगा। और इसी तरीके से जो है अपने प्लांट की जो है केयर कीजिए और बहुत सारे जो है फूल अपने एडेनियम प्लांट पे पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।